कैसे आप सब उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत होंगे होंगे तो जी हम भी खैरियत से हैं। तो जैसे फर्स्ट पहला रोज़ा आप सबको मुबारक हो, पहली सहरी आप सबको मुबारक हो। तो यहाँ पर सब बच्चे उड़ गए, यहाँ पर सुफियान भी उड़ गया और इधर को बैठो बेटे चलो। तो ये भी रोज़ा रखेगा, देखते हैं कितनी हिम्मत होती है उसकी रोज़ा रखने की, कितने रखते हैं। सलाम कर लो, सलाम कर लो। वालेकुम सलाम। शुरुआत में सब बच्चों को भारी तो लगेगा, मुझे भी भारी लग रही है क्योंकि रात में दो तो हमें वैसे ही बज गए, नींद नहीं आई। पैरों में भी मैं आपको वैसे भी बता रही थी मैं ठीक नहीं है, तो हाथ पैरों में भी इतना दर्द हो रही है। तो दो ढाई तो वैसे ही बज गए उठने में, और अब वैसे ही 4:15 बजे फिर अलार्म लगाया था उठने के लिए, तो फिर वैसे उठ गए। उठोगी आरफा, सहरी खाओगी, रोज़ा रखोगी है मुन्ने? रोजा रखोगे? हाँ बाबू जी, उठ जाओ तो रोजा रखोगी तो। बाकी बस बुशरा बतिया, हमजा भी आ गया, हमजा भी अपना खाना खाएगा और बस ये भी सहरी कर रही है, बुशरा भी सहरी कर रही है। तो बस चलो जल्दी जल्दी से सहरी कर लेते हैं, बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं दूर लूंगा। तो जी हमारी यहाँ पर सहरी हो गई और हम सब ने नमाज़ भी पढ़ ली और सारी किचन की भी जो है सफाई कर दी, सारा किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन धो लिए। और मैंने मशीन लगा ली थी, मैंने मशीन लगा के ना ये थोड़े बहुत कपड़े थे मैंने ये कपड़े भी वॉश कर लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठेंगे तो वज़ू वगैरह करके बस जो है उठ के अपना जो है मतलब नमाज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने हम बैठ जाएंगे। क्योंकि रोज़े में ना अब तो ऐसे ही रहेगा, जब सहरी में उठा करूँगी ना, अब जब भी मशीन जो है ना लगा लिया करूँगी, जब भी कपड़े धो लिया करूँगी। वैसे भी कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो बस मैंने जो है धो के ना यहाँ पर। कौन है? और बस जो है सोने जा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर 9 बजे आरफा का स्कूल है, आरफा को उठा के ना उसके एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर उसको उठा के उसको भी तैयार करके भेजना है। इतने जो है थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ। और भाई यहाँ पे बुशरा भी जो है ना कुरान शरीफ पढ़ रही थी, अपना ये कुरान शरीफ वगैरह पढ़ गया ना, फिर ये भी सो जाएगी, फिर उठेगी जब फिर पढ़ लेगी ये कुरान शरीफ। तो बस फिर थोड़ी देर में मिलते हैं और बस जल्दी से जो है ना पहले सो जाते नहीं, क्योंकि नींद भी आ रही है। यहाँ पर हम सब सो के उठ गए थे और बस पहला रोज़ा है, लेकिन जो है ना तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो ऐसा हो रहा है कलेजा सा जो है ना अजीब सा हो रहा है, दर्द सा हो गया। और बुशरा यहाँ पर फिर कुरान शरीफ पढ़ रही है, नमाज इसने अदा कर ली और वैसे ही पढ़ ली कुरान शरीफ। बच्ची अपने घर चली गई, उसकी दादी लेने आई थी तो वो अपने घर चले गए, तो बस मैं यहाँ पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बेसन वगैरह घोलूँगी फुल्की का, तो आज हम इफ्तार में बनाएंगे फुल्की बनाएंगे और ब्रेड पकौड़ों को कह रही बुशरा, हाँ ब्रेड पकौड़े, तो ये ब्रेड पकौड़ों को कह रही ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। ज़्यादा इफ्तारी तो खैर नहीं बनाने की, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, क्योंकि काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। बच्चा रहती थी तो हिम्मत रहती थी, 1 से 2 हम काम कर लिया करते थे। और बस ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी, चिप्स वगैरह तल लूँगी और कचालू बनाएंगे। और खाने में देखो क्या बनता है, खाने का भी डिसाइड नहीं करा। खाने में शाम को कुछ खाया तो जाता नहीं है, लेकिन यह है कि सहरी की वजह से जो है ना फिर भी जो है बनाना पड़ता है, सहरी की वजह से अच्छा सा कुछ सही रहता है बना हुआ। तो बच्चे चलो जल्दी जल्दी से पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ और बस फिर जो है अपना आगे का काम जो है ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं आलू छील लेती हूँ ब्रेड पकौड़ों के लिए। सुफियान कह रहा मैं छीलूँ, तो मैं कहता हूँ तुम छील लो, उसका रोज़ा है ना तो अपना टाइम पास कर रही है। बच्चे का चेहरा उतर गया, दिखाए मुझे ऊपर वो इसे, वैसे भी पता है आपको भूख बर्दाश्त नहीं है, स्कूल से आता है खाना खाते हुए रुका मचाता है, लेकिन बस कहते हैं ना बस अल्लाह ताला जो है ना हिम्मत दे देता है। रोज़े तो वैसे भी फ़र्ज़ है, जितनी हो सके तो इंसान कोशिश करे। हाँ इसका पेच निकल गया, यहाँ से इसका पेच निकल गया, ये वाला एक पेच निकल गया ना, तो उसकी वजह से हिले वन अच्छी चल रही है। बस लाओ मैं छील लूँगी, बस तुम दे दो मुझे, तुम मुझे दे दो, लाओ बस। तो बस सबसे पहले मैं आलू छील के ना इनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर बेसन वगैरह घोल लूँगी, प्याज वगैरह। प्याज तो रात में कीमा बना रही थी तो प्याज तो रात भी काटी थी, लेकिन बस फिर वो मिला नहीं था, तो प्याज कटी हुई भी रखी, थोड़ी सी और काट लेंगे उसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आलू छील, सबसे पहले जो है ना ब्रेड पकौड़ों का आलू भुर्ता जो है मैं तैयार कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले जो है ना मैं ये भुर्ता तैयार कर लेती हूँ, तो बहुत कम मसालों में डाल करूँगी तैयार। तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच सौंफ धनिया जो है ना इनको बारीक करके कूट लिया, इससे जो मुझे ना भुर्ते में अच्छी लगती है। अब इसके अंदर जो है ना भुर्ता आधे चम्मच डालूंगी इसमें मैं चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, करेंगे हम नमक
नमक हम बेसन में भी डालेंगे, तो इसकी वजह से हम ना अंदर के मसाले जो है ना बहुत ही हल्के रखेंगे, जो मतलब रमज़ान में जो है ना थोड़ी ज़्यादा तेज़ मसाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो खाने में फिर गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह सही तरह डाइजेशन नहीं हो पाता, इस वजह से इसके अंदर थोड़े हल्के मसाले रखेंगे। अगर आप चाहें तो देखिए इसमें आप इसके अंदर प्याज हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं डालती, मुझे अच्छे नहीं लगते ब्रेड पकौड़ों में, इसकी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बहुत ही सिंपल सा भुर्ता बनाएंगे इसका हम बहुत ही हल्के मसालों के साथ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर खटाई ऐड कर सकते हैं, तो खटाई मैं ऐड करती हूँ, पर इस टाइम खटाई है नहीं, तो इस वजह से मैंने स्किप कर दी खटाई, लेकिन आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच खटाई डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही कम मसालों का लेकिन बहुत ही मज़े का भुर्ता बनता है ये। इसको मैं कटोरे में कर लेती हूँ क्योंकि हमें कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जी भाई यहाँ पर मैं कीमा चढ़ा रही थी और बस प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले भी आपको दे चुकी हूँ और बस यहाँ पर मैंने फुलके भी बना के जो है ना हॉट पॉट में रख दी थी। उससे जो है ना ज़रा सॉफ्ट रहेंगी और बस रोज़े से हम आधे पौन घंटे पहले इसको जो है ना भिगो देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने दही को भी जो है ना 250 ग्राम दही थी तो उसको मैंने मिक्सी गिलास में डाल के उसको फेंट लिया था। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी लाल मिर्च की चटनी, मैंने आपको दिखाई थी। तो मिर्चें यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है ना मतलब कर दीजिएगा, लेकिन रोज़े में तो अंदाज़ा होना मुश्किल होता है, तो बस लेकिन ये कि मैंने 1 से 1.5 चम्मच कर दी थी। और जब हमने इफ्तार के टाइम खाई थी तो मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, हाँ नमक ज़रूर हल्का था और नमक हल्का ही ठीक रहता है। नमक तो हम ऊपर से भी डाल सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो निकाल नहीं सकते। तो बस नमक डाल दिया था, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से कम ही डाला था और बस मैंने यहाँ पर ये सारा सामान जो है ना मिक्स करके जो है रख दिया था। जब रोज़े का टाइम होगा तब हम यहाँ पर जो है ना फुलके भिगो के जो इसके अंदर डाल देंगे। तो हंडिया मैंने चढ़ा दी थी और फुलकी की दही भी तैयार कर ली और फुलकी जो है ना आधे घंटे के बाद, कितने बजे रोज़ा? 6:30 बजे इफ्तार है, तो आधे पौन घंटे पहले फुलकी जो है पानी में भिगो देंगे, फिर बाद में उनको निकाल के पानी थोड़ा ही पानी में भिगोएंगे, उसके अंदर दही में डाल देंगे। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, बुखार भी हो गया बहुत तेज़ और कुछ भी काम नहीं करा जा रही है। इधर इफ्तार की फ़िक्र है, इधर अपने व्लॉग की फ़िक्र रहती है कि व्लॉग भी हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन और इफ्तार की भी फ़िक्र रहती है और लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तबीयत दुख रहा सारा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। तो भाई यहाँ पर मैं ब्रेड लेके बैठी थी, आप भी सोचेंगे कि वो जो भी लोग में कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं है, तो सच बात है कि कोई नहीं है, क्योंकि जैसे होने चाहिए वे लोग बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, लेकिन बस क्या करें तबीयत ही ठीक नहीं है। दुआ करिएगा अल्लाह ताला तबीयत ठीक कर दे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर फुलकी भी जो है पानी के अंदर भिगो के रख दी। अब ये पानी में डिप हुई भी ना ये इसके अंदर डाल देंगे और बघार लगा लेंगे। यहाँ पर हंडिया भी तैयार हो गई और ये कढ़ाई बहुत अभी गर्म हो रही है, अब इसको थोड़ी देर में खाली करूँगी। फिलहाल मैं नमाज़ अदा कर लूँ असर की, क्योंकि टाइम जा रही है जल्दी जल्दी, फिर रोज़ा का टाइम आ रही है, जल्दी से नमाज़ अदा कर लेती हूँ। कहा के यानी हुकूले बाद अपने जिम्मे ले ले, तो महज अपने फजल करम से हम सबको जन्नत फिरदौस में जंगा तब फरमा, और अपने महज अपने फजल करम से हम सबको खात्मा ईमान पर फरमा देना, हम सब पर जहन्नुम के आग हराम फरमा देना। एला तो हमारे आलिम के अंदर हिदायत के आम फरमा और पूरे आलिम की खिदमत की दीन के लिए जो
कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो लोग तेरे दीन के बारे में रोड़े बने हुए ना तुझे और तेरी जानिब के हिदायत में नहीं है, हिदायत की खिदमत में नहीं है, ऐसे लोगों को तू जल्द से जल्द छाट छाट का हलाक और दुनिया और ख़त्म और दुनिया से नस्ते नाबूद फरमा। आमीन। एला तू दीनी हवाओं को पूरे आलम के अंदर चला दे, बददीन हवाओं के दरवाजों को बंद फरमा दे। आमीन। एला तू अपने गैज़ अज़